तो देखो जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो भले ही कर्म के प्रभाव से आता है, क्योंकि कर्म किया है तभी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हुआ है, लेकिन जैसे लिखा है जब हमारा माता के गर्भ में जब विस्तार होता है, करलम त्वेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशाहीन तु करकंदु पेश्यंडम वा ततः परम कलल। अर्थात जब ये जीव माँ के गर्भ में आता है पहली रात्रि में ये कलल होता है, पंच रात्रेण बुद्बुदम पांचवी रात्रि को बुलबुले के समान हो जाता है, दशाहीन तु करकंदु दसवीं रात्रि को ये बेर के दाने के समान कड़ा होता है, और पेश्यंडम वा ततः परम फिर हम माँ के गर्भ में क्या करते हैं, पेश्यंडम हमारा पिंड बनना शुरू होता है बनता है। एक महीने में सिर बनते हैं, दूसरे महीने में धातुएं बनती, एक महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव बनते हैं, तीसरे महीने में लिंग बनता है, चौथे महीने में धातुएं बनती हैं, और पांचवें महीने में धातुएं बनने के बाद फिर उस जीवात्मा को माँ के गर्भ में भूख प्यास लगती है। छठे महीने में अगर कन्या है तो माँ के बाईं ओर, अगर पुत्र है तो माँ के दाईं ओर अधिक हलचल होती है, तो छठा महीना लग गया। सातवां महीना लगते ही इसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, और फिर ये देखता है कि राम राम इतने जन्म मुझे मिले, मैंने सारे के सारे जन्म ऐसे ही व्यसनों में व्यतीत कर दिए, भगवान ने इस बार मुझे अवसर दिया है, अब मैं इस धरती पर जाऊंगा तो भगवान का खूब भजन करूंगा। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि पेट में उसको बहुत कष्ट होता है। महाभारत में लिखा है माताओं, गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के वास में तो इतना कष्ट होता है कि यमराज के पास उतना कष्ट देने के लिए नरक भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी पाप क्यों करते हैं जानते हो, क्योंकि माँ के गर्भ में हमने कितना कष्ट झेला है, उस असह्य पीड़ा को भगवान की माया हमें भुला देती है। इसलिए पेट में तो कहते हैं प्रभु भजन करेंगे इस बार पैदा होंगे, लेकिन बाहर आते ही जब बाहर का रंग चढ़ जाता है, जब बाहर की हवा लग जाती है, जब सांसारिक मनुष्यों की हवा लगती है ना, तो धीरे 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 हमारा सारा का सारा पेट वाला ज्ञान धुल जाता है। पेट के अंदर तो संकल्प लेते हैं हम कि हे प्रभु कुछ नहीं करेंगे, इसलिए बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, पैदा होता है बच्चा मुट्ठी बंद, कुछ नहीं करेंगे प्रभु, बस आपका ही भजन करना है इस बार, लेकिन धीरे धीरे मुट्ठी खुलती चलती जाती है, खुलती जाती है, और इस प्रकार कहाँ तो आया था भजन हरि भजन को और ओटन लगे कपास।